चैनल डिजलिंग दिव्या और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने जो इंस्पायर्ड लुक शेयर किया है वो है रामायण से। रामायण में जो दीपिका मैम ने माता सीता का रोल किया हुआ है, मैं जब से रामायण देख रही हूँ तब से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई उनसे, तो मैंने मन में सोचा था कि मैं इस लुक को क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। आज मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, आई होप ये आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, इसे मैं अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। देन मैं यूज़ कर रही हूँ एडियस की बीबी क्रीम। इस लुक में बहुत ही लाइट वेट मेकअप किया हुआ था तो मैं इसीलिए बहुत ही लाइट सा मेकअप करूँगी। तो मैंने अपनी फिंगर टिप की हेल्प से क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। देन मैं ब्लेंड करूँगी एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। अपने बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जॉनसन्स बेबी पाउडर का। आप इसे बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आई शेडो के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक बहुत ही लाइट सा शेड ब्राउन कलर का। मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अपनी लैश लाइन में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपको इसे सिर्फ अपनी लैश लाइन में ही ब्लेंड करना है अच्छे से। देन मैं अपनी ब्रोज को फिल कर लूँगी एक एंगल ब्रश की हेल्प से। एंड जो भी प्रोडक्ट एक्सेस है उसे एक स्पूली की हेल्प से रिमूव कर दूँगी। इसमें सीता जी का लुक जो है उसमें बहुत ही पॉइंटेड आईब्रोज थी तो मैंने कोशिश की है उसे क्रिएट करने की। देन अब मैं काजल अप्लाई कर लूँगी। अब मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से ब्लश अप्लाई कर लूँगी। मैंने पिंक एंड ऑरेंज शेड मिक्स करके ब्लश लगाया हुआ है। बहुत ही लाइट वेट आपको लगाना है क्योंकि बहुत ही नेचुरल मेकअप था उसमें माता सीता का। देन मैं यहाँ पर लिप पेंसिल अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर एडियस की रेड लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक बिंदी लगाया हुआ है मैंने रेड कलर की। सो दिस इज माय फाइनल फिनिश्ड लुक। का वीडियो, अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।